नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्केट से, जो यहां पर 24 आवर्स में लगभग 0.97% ऊपर की ओर है। BTC की अगर हम बात करें, $38,000 को होल्ड करके रखा हुआ है इसने, और 24 आवर्स में अगर आप देखें लगभग 1% बढ़ा हुआ है। लास्ट वन वीक की अगर हम बात करें लगभग 9%। यहां पर जितने भी ऑल कॉइन्स है वो कहीं ना कहीं BTC को फॉलो करते हुए ही नजर आ रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं सभी के प्राइस में लगभग 1 या 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें लास्ट वीक से यहां पर कंपेयर करोगे तो एक अच्छा खासा रिकवर यहां पर मार्केट ने अभी भी किया हुआ है। तो क्या यहां पर मार्केट अब ऊपर जाता हुआ नजर आएगा या फिर से यहां पर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा और BTC 34-35 तक आ सकता है? तो ये काफी कुछ डिपेंड करेगा आने वाले कुछ टाइम में जो मार्केट में बड़ी अपडेट्स होने वाली है। मतलब अगर हम बात करें इंडियन क्रिप्टो मार्केट की, तो यहां पर जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी को यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस बार क्रिप्टो बिल को लेकर यहां पर काफी सारे सवाल है कि क्या क्रिप्टो बिल आएगा, किस नंबर पर आएगा उस लिस्ट में, जो बिल की लिस्ट उनके द्वारा पेश की जाएगी, और यहां पर क्या उस पर डिस्कशन होगा भी या फिर पिछली बार जैसा यहां पर इंडियन क्रिप्टो बिल जिसको लेकर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था वो यहां पर नहीं आएगा। तो उस पर भी डिपेंड करेगा मार्केट में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बातें जो है वो काफी ज्यादा उड़ने लग गई थी, जिस वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर जो मीटिंग हुई थी फेड की, उन्होंने ये कहा था कि हम यहां पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। अभी नहीं बढ़ाया हुआ है लेकिन मार्च में मीटिंग होगी, वहां पर बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम मार्च से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब फरवरी का मंथ यहां पर शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि फरवरी में यहां पर फिर से BTC जो है वो लगभग 45 और 50 के बीच में चले जाएगा। और अगर हम मार्च की बात करें और कोई सी ऐसी नेगेटिव न्यूज निकल कर आती है, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से यहां पर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी आने वाला जो टाइम है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा। और अगर हम बात करें शिबा की दोस्तों, तो शिबा यहां पर 24 आवर्स में लगभग 2% बढ़ा हुआ है और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 0.00021 पर ये बना हुआ है। एक तरीके से मेजर सपोर्ट इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहां पर था, इसे ब्रेक किया था। अगर हम बात करें यहां पर मार्केट कैप की, तो अच्छा खासा गिरा हुआ है, लगभग $12 बिलियन पर आ चुका है। एक समय लगभग यहां पर $16 बिलियन पर था। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो सभी का मार्केट कैप गिरा हुआ है। पॉलीगन जो इसके ऊपर जरूर है लेकिन $12.61 बिलियन के साथ, मतलब ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ बड़ी न्यूज की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज से जो वीजा से जुड़ी, वीजा पार्टनर्स विद ओवर 65 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, जहां पर वीजा लगातार पार्टनरशिप करते जा रहा है नए नए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आप देखें तो इनके द्वारा यहां पर सपोर्ट भी दिया जा रहा है कई क्रिप्टो करेंसीज को। तो यहां पर अगर आप देखें 65+ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ यहां पर यह जुड़ चुका है, जो एक काफी बड़ा साइन है कि वीजा यहां पर क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके से एंट्री लेता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से यहां पर ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस पेमेंट जाइट ने यहां पर ये रिवील किया हुआ है कि जो क्रिप्टो लिंक्ड कार्ड यूजर्स हैं वो लगभग $2.5 बिलियन एक्सीड हो चुके हैं फर्स्ट फिक्सल क्वार्टर में ही, मतलब अभी जो चल रहा है उसमें ही। और ऑलरेडी यहां पर अगर आप देखें तो ये 70% पेमेंट वॉल्यूम हो गया है अगर आप देखें ऑल ऑफ द फिक्सल 2021 का। तो यहां पर काफी तेजी से वीजा ग्रोथ कर रहा है, मतलब काफी सारे लोग यहां पर इसका यूज कर रहे हैं पेमेंट्स करने में, और यहां पर ये क्रिप्टो करेंसीज को भी सपोर्ट कर रहा है, जो एक काफी अच्छा साइन है। और अगर हम बात करें यहां पर BTC के प्राइस की, तो आप देख सकते हैं फिंडर्स के यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका BTC के लिए प्रेडिक्शन जो यहां पर लगभग $94,000 है इस साल के एंड तक। मतलब अगर आप देखें यहां पर इनका जो पैनल था उसके 33 एक्सपर्ट्स ने यहां पर फोरकास्ट किया हुआ है BTC का प्राइस, और वो आप देख सकते हैं मतलब $94,000 तक यहां पर ये पीक पर जा सकता है इस साल 2022 में। उसके अलावा अगर हम देखें तो एंड ऑफ द ईयर ये लगभग $76,000 के ऊपर होगा। अभी की अगर हम बात करें तो अभी हम BTC का प्राइस देख रहे हैं लगभग $38,000, ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग $65,000 तक ये गया हुआ है, और उससे भी अगर आप देखें तो यहां पर अच्छा खासा ऊपर जाएगा जैसा कि इनका यहां पर प्रेडिक्शन बता रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें इन्होंने प्रेडिक्शन किया हुआ है 2025 और 2030 के लिए भी, जो लगभग यहां पर हो रहा है $1,92,800 2025 तक, और अगर हम बात करें 2030 तक $4,06,400। एक काफी बड़ा प्रेडिक्शन यहां पर इनके द्वारा किया गया, मतलब एक काफी बड़ा अमाउंट यहां पर BTC का हो जाएगा, BTC का प्राइस अगर आप देखें 2030 तक। और अगर ऐसा होता है दोस्तों 2030 तक इस प्राइस तक जाता है, क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन किया हुआ था कि 2022 में ऑल टाइम हाई पर जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत जो है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। और अगर आप देखें BTC या फिर डिजिटल करेंसी का मार्केट अभी के समय में काफी सारी कंट्रीज इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज है, जिस वजह से मार्केट जो है उसमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन 2030 तक इसका प्राइस अगर अच्छा खासा ऊपर की ओर भी जाता है, तो आप देखेंगे जितने भी कॉइन्स अभी आपको यहां पर डाउन में मिल रहे हैं, जितने
भी ऑल कॉइन्स है, जितने भी टॉप 50 कॉइन्स है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे खासे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात बेस्ड बैंक के सीईओ का, और वो स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी इज हियर टू स्टैंड, इम्पॉसिबल टू रेगुलेट एट लार्ज, जहां पर इनका ये कहना है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर रहने के लिए आई हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से हट जाएगी या किसी के द्वारा भी उसे हटा दिया जाएगा, इम्पॉसिबल है उसे रेगुलेट करना लार्ज तरीके से। और इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी दिया हुआ है कि उसे अगर आप रेगुलेट करने की सोच रहे हैं तो वो भी इम्पॉसिबल है, मतलब सही तरीके से आप इसे रेगुलेट भी नहीं कर सकते। इसी बात है दोस्तों, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन का एक यही एडवांटेज है कि इस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज होती है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं अगली न्यूज की ओर, रशियन गवर्नमेंट ड्राफ्ट रोडमैप टू रेगुलेट नॉट बैन क्रिप्टो रिपोर्ट अनेबल, जहां पर रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप देखें तो रशिया की जो गवर्नमेंट है वो यहां पर रोडमैप बनाना शुरू कर चुकी है रेगुलेट करने के लिए, मतलब बैन करने के लिए नहीं, जैसा कि वहां पर सेंट्रल बैंक ने प्रपोजल निकाला था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है जितने भी वहां पर सेक्शन है उनके द्वारा। और अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, उसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज और जो लॉ एजेंसीज है वो यहां पर क्रिप्टो करेंसी का रोडमैप जो है वो प्रिपेयर करने लग गई है, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा साइन रशिया से देखने को मिला है। और ये हुआ है दोस्तों जो प्रेसिडेंट का कॉल आया था उसके बाद से, मतलब प्रेसिडेंट ने यहां पर ये साइन दिखाया था कि वो क्रिप्टो करेंसी को यहां पर रेगुलेट करवाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको यहां पर ये लग रहा था कि काफी बड़ा एडवांटेज जो है वो यहां पर रशिया को क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मॉस्को भी अगर आप देखें तो अब मुंह करता हुआ नजर आ रहा है कि एडॉप्ट करने वाला है वो भी रूल्स को जो क्रिप्टो करेंसी के लिए यहां पर निकाले जाएंगे। अब आते हैं अगली न्यूज की ओर, जो रॉबिनहुड से जुड़ी हुई है, रॉबिनहुड टू लॉन्च क्रिप्टो ट्रेडिंग इंटरनेशनली सीज इमेंस पोटेंशियल इन क्रिप्टो इकोनॉमी, जहां पर रॉबिनहुड के द्वारा ये कहा गया है कि वो अब क्रिप्टो ट्रेडिंग को इंटरनेशनली लाना चाहते हैं, मतलब उनके प्लेटफॉर्म को वो अब ग्लोबली बढ़ाना चाहते हैं, और यहां पर उन्होंने जो अपने गोल्स है उन्हें यहां पर सेट कर लिया, मतलब यहां पर अगर आप देखें क्वार्टर फोर की जो अर्निंग्स थी उनके बारे में इन्होंने बताया, रिवेन्यू काफी ज्यादा डाउन गया, लेकिन अब आप देख सकते हैं रॉबिनहुड ने ये क्लियर किया हुआ है कि वो अब अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनली प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को 2022 में, मतलब इनका ये मानना है कि क्रिप्टो में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और काफी सारे कस्टमर्स है जो आने वाले टाइम में ग्लोबली मार्केट से जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली न्यूज की, जो शिबा इनू कॉइन से जुड़ी हुई है, जो विटालिक ब्यूटेरियन से जुड़ी हुई है, दोस्तों विटालिक ब्यूटेरियन कौन है अगर आपको नहीं पता है, तो इथेरियम के को फाउंडर है और इन्होंने यहां पर शिबा इनू को डोनेट किया था क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड में, उसके बाद से शिबा इनू काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था और कई बार इनका नाम शिबा इनू कॉइन के साथ देखने को आपको मिला होगा, और अभी भी अगर आप देखें फिर से नाम यहां पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीजन यहां पर यह है कि जो क्रिप्टो रिलीफ फंड है उसमें से $100 मिलियन इन्हें यहां पर रिटर्न दिया गया है, और अगर आप देखें ये दिया गया है USDC में, मतलब शिबा इनू कॉइन में रिटर्न नहीं दिया गया, तो यहां पर इन्होंने इस प्लान को रिवील कर दिया है कि वो इस $100 मिलियन का क्या करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली न्यूज की, पेपल यहां पर अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाला है जैसी की खबरें निकल कर आई है, तो अब इस स्टेबल कॉइन का क्या यूज हो सकता है, और अगर आप देखें पेपल ने यहां पर एक्सप्लेन तो कर दिया है कि वो यहां पर स्टेबल कॉइन लेकर आने वाले। अगर हम बात करें पेपल की दोस्तों 350 मिलियन एक्टिव यूजर्स है वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखें 350 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, और काफी सारी कंट्रीज को पेपल यहां पर अभी कवर करता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर यहां पर ये स्टेबल कॉइन लॉन्च करता है तो कहीं ना कहीं जो पेपल का यूज करके क्रिप्टो करेंसीज को बाय किया जा रहा है, मतलब यहां पर जो फिएट करेंसीज है उनको अदर करेंसीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो यहां पर ये ऑप्शन ला सकता है कि वो अपने स्टेबल कॉइन को यहां पर ऐड कर दे, मतलब अगर आपको यहां पर क्रिप्टो करेंसीज को बाय करना है तो फिएट से आपको पहले इनके स्टेबल कॉइन को बाय करना पड़े, उसके बाद इस स्टेबल कॉइन से यहां पर आप किसी अदर क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्ट करने की बात करें, मतलब सेल करने की बात करें, तो वहां पर भी यही ऑप्शन ऐड हो सकता है जिससे पेपाल का जो स्टेबल कॉइन है वो काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है, मतलब जिस तरीके से अभी अगर आप देखें तो टेदर और USDC आपको देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन बन चुके हैं मार्केट में, उस तरीके की स्टेबिलिटी यहां पर हमें पेपाल के स्टेबल कॉइन में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी न्यूज अपडेट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।